राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली आर्ट एंड क्राफ्ट की, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। तो मदर्स डे आने वाला है, तो मैंने सोचा कुछ मदर डे से रिलेटेड कुछ बनाते हैं। तो मेरे पास कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, तो सोचा चलो इसी से हम कुछ भी ट्राई करके बनाते हैं। अगर आपके पास भी वेस्ट मटेरियल इस तरह का कुछ है या इससे मिलता जुलता कुछ है, तो आप भी मदर्स डे के लिए कुछ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमें एक वाइट पेपर लेना है और अपनी मम्मी के साथ आपका फ़ोटो लेना है। मैं अपना बच्चे का और अपना फ़ोटो ले रही हूँ, तो आप अपनी मदर्स के साथ आपका जो भी एक अच्छा फ़ोटो होगा आप उसको ले लीजिए और उसको इस तरह वाइट पेपर पर चिपका दीजिए। जब ये अच्छे से चिपक जाएगा, फिर ये थोड़ा सा साइड मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नीचे कुछ मैसेज लिखना है, तो उतना साइड आप छोड़ दीजिएगा। फिर इस तरह से इसको हम सीजर से कट कर लेंगे। अब हमारा ये फ़ोटो तैयार है। मेरे पास इस तरह का एक वुडन फ्रेम जैसा था, तो आप इसकी जगह कार्डबोर्ड ले लेना, उस पर किसी भी अपने पसंद का पेपर चिपका के कर लोगे। फिर ये फ़ोटो के पीछे हम ऐसे डबल साइडेड टेप चिपका देंगे। डबल साइडेड टेप चिपकाने से क्या है, थोड़ा उभार रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप ना हो तो आप नॉर्मल ग्लू से ही इसको चिपका दोगे तो भी चलेगा। तो मैंने इसको चिपका लिया है। अब मेरे पास ये रोज़ फ्लावर्स थे, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसे फ्लावर्स नहीं है, आप पेपर से भी फ्लावर्स बना सकते हो। वैसे आजकल स्टेशनरी शॉप पे आपको आराम से फ्लावर्स मिल जाएंगे, तो आप उसे ले लेना और इस तरह से डेकोरेट कर देना। मेरे पास छोटे फ्लावर भी थे तो मैंने वो भी ले लिया। अब ये ग्लिटर शीट थी सिल्वर कलर में, तो मैंने इसका यूज़ किया। अगर शीट नहीं है आपके पास, आप नॉर्मल वाइट पेपर भी यूज़ करोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें क्या मदर्स डे का, मुझे मॉम लिखना है तो MOM लिखना है, तो उसके लिए मैंने ये ग्लिटर शीट यूज़ किया है। तो इसको एक बराबर साइज में कट कर लिया है। अब सीजर से मैं M का शेप दूंगी, M अल्फ़ाबेट का शेप मुझे बनाना है, तो आप उसको इस तरह से कट करके बना सकते हैं आराम से, और ये बहुत आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये देखिए हमारा M बन गया है। इसी तरह से दूसरा वाला भी हम कर लेंगे। अब हमारा दूसरा M अल्फ़ाबेट भी तैयार है, और मैंने ये रेड कलर के पेपर से ऐसे हार्ट कट कर लिया है। बस अब इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो इसको आप डबल साइडेड टेप से चिपकाओगे, थोड़ा सा उभार रहेगा तो अच्छा लगेगा, वरना आप ग्लू से भी चिपका दोगे तो भी सही है, कोई बात नहीं। तो आप इसको इस तरह से चिपका लीजिए। अब हमारे ये तैयार है, तो अब इसको हम कुछ लीव्स से डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास ये आर्टिफिशियल लीव्स थी, तो मैं इससे इस तरह से इस पर चिपकाऊंगी। तो आपको जिस तरह की भी लीव्स मिले, जिस तरह के भी फ्लावर्स मिले, आप उसको सजा सकते हो, आप अपने हिसाब से, डेकोरेशन आपके ऊपर है पूरा। तो मेरे पास ये लीव्स थी, तो मैं इसको जहाँ जहाँ स्पेस मुझे खाली लग रहा है कि हाँ इधर से इसको लगा दो, तो मैं बस उसको ऐसी तरह से रैंडमली ही ऐसे पेस्ट कर दे रही हूँ। मैंने ऑल फिक्स ग्लू का यूज़ किया है यहाँ पे। तो हमारा ये तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक मैसेज लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर लिया है, उससे मैं यहाँ पे बेस्ट मॉम लिख रही हूँ। बस अब हमारा ये तैयार हो गया है। आप इसको हैंग करने के लिए पीछे कुछ भी हैंगिंग सा बना सकते हैं, या फिर डबल साइडेड टेप आप पीछे लगा के या मास्किंग टेप का यूज़ करके इसको हम वॉल पे ऐसे ही पेस्ट कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप मम्मी को अपने दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कुछ इस तरह से चीज़ें बना के। और हैंडमेड चीज़ें अगर आप किसी को गिफ्ट करो तो वो बहुत ही अलग ही यूनिक लगता है, और उनको बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे लिए उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले हैं।
तो आप इस तरह से घर पे ही अच्छा सा कुछ डेकोरेट करके मम्मी को गिफ्ट दे सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।